हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं FND का F210X मॉडल के म्यूजिक सिस्टम का। बताने वाला हूं कि इस डिवाइस के साथ क्या क्या चीजें आपको मिल जाता है, इस डिवाइस के क्या क्या मेन फीचर हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस डिवाइस के साथ क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाता है। इस डिवाइस के साथ आपको मिलता है एक सबवूफर, दो सैटेलाइट स्पीकर, एक रिमोट कंट्रोल, मैनुअल वारंटी कार्ड एंड दो केबल्स आपको मिल जाता है। अगर मैं मेन फीचर्स के बारे में बात करूं, तो ये डिवाइस ब्लूटूथ 4 एनेबल है, जो कि 15 मीटर तक डिस्टेंस कवर कर लेती है कंपनी के हिसाब से। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इस डिवाइस को यूज़ करोगे तो 10 मीटर के आसपास आपको काफ़ी अच्छी कवरेज मिल जाता है। इस डिवाइस में आपको USB पोर्ट भी मिल जाता है, जिसके मदद से आप डायरेक्टली USB से म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो। इस डिवाइस में आपको FM रेडियो मिल जाता है, जहाँ पे आप 100 स्टेशन तक सेव करके रख सकते हो। ये डिवाइस वुडन बॉक्स के साथ है और कंपनी दावा करता है कि वुडन बॉक्स होने के कारण ये डिस्टॉर्शन को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। अगर मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, तो ये डिवाइस AC पावर में चलता है। इसका जो ऑडियो आउटपुट है वो 15 वाट का है। हर एक सैटेलाइट स्पीकर का आउटपुट है 3 वाट एंड जो सबवूफर है उसका आउटपुट है 9 वाट। सो टोटल 15 वाट का आउटपुट इस डिवाइस के साथ आपको मिल जाता है। अगर मैं फ्रिक्वेंसी रेंज के बारे में बात करूं, तो जो सबवूफर का फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो 30 Hz to 130 Hz है। मतलब कि जो लोअर फ्रिक्वेंसीज हैं वो सबवूफर काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। और यहाँ पे जो ड्राइवर है वो 4 बास ड्राइवर है, और ड्राइवर का साइज़ बड़ा होने के कारण जो लोअर फ्रिक्वेंसीज हैं वो सबवूफर काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। और अगर मैं सैटेलाइट स्पीकर के फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स के बारे में बात करूँ, वो 135 Hz to 20 kHz है। मतलब ह्यूमन जो हियरिंग फ्रिक्वेंसी है वो कम्प्लीटली ये म्यूजिक सिस्टम कवर कर लेता है, चाहे वो लोअर हो या हायर हो। इसीलिए कोई भी म्यूजिक अगर आप इस डिवाइस के साथ सुनोगे तो आपको कम्प्लीट रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज मिलेगा। इस डिवाइस का सिग्नल टू नॉइस रेशियो है 60 एंड जो डिवाइस का वेट है वो अराउंड 3 kg के आसपास है। डिवाइस का ओवरऑल लुक काफ़ी प्रीमियम है। ये डिवाइस 2200 रुपीज़ से 2600 रुपीज़ में आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर अदर ऑनलाइन साइट्स में मिल जाएगा। आप कहीं से भी इस डिवाइस को परचेज कर सकते हो। ओवरऑल ये एक काफ़ी अच्छी डिवाइस है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, जहाँ पे आप कभी कभी अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में म्यूजिक सुनते हो, तो ये डिवाइस आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छा है, और इस प्राइस रेंज में जितने भी अदर आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा उसमें से ये काफ़ी अच्छी म्यूजिक सिस्टम हो सकती है। तो आप डेफिनेटली इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक प्रो म्यूजिक लिसनर हो, जहाँ पे आप म्यूजिक में कुछ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये डिवाइस आपके लिए नहीं है। आपको हायर एंड के डिवाइस में जाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो में आप जान पाए होंगे कि क्या ये डिवाइस आपके एक्सपेक्टेशंस में खरी होती है या नहीं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।